तरह हम हिंदुस्तानी भी अलग अलग कल्चर में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग ज़बानें हैं, मगर सबके लिए जो आईन है, जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमारे लिए एक है। इसको मानना, इस पर अमल करना हम हर हिंदुस्तानी का फरीजा बनता है, जिम्मेदारी बनती है, और इसकी देख रेख करना और इसको महफूज करना, अपने घरों में भी रखना हम हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्ती इस्लाम, मैं हूं महबूब रजा से। हिंदुस्तान के जहां जहां शहरी पूरी दुनिया में रहते हैं, तमाम देशवासियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को 73rd यौमे जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। हिंदुस्तानी जमहूरिया पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप रखती है, और हिंदुस्तान का लोकतंत्र यौमे जमहूरिया की जो आईन है, सबसे बेहतरीन, सबसे आला, सबसे बड़ी आईन है, सबसे ज्यादा मसूदे इसमें शामिल है। दूसरी अहम बात, दुनिया की सेकेंड सबसे बड़ी जमहूरियत है, और यहाँ पर तमाम ही जात धर्म के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बोलने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, और यकसा तौर पे अपने फेस्टिवल मनाने की आज़ादी है, अपने मुताबिक खाने पीने की आज़ादी है। ये हमारा आईन हमें हक देता है। यहाँ पर कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के नीचे नहीं है कि आप अमीर है तो आपके लिए फला फैसिलिटीज मिलेगी, आप गरीब है तो ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपके पास बेहतर तरीके से प्रायोरिटी होगी, आप अगर दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपको कम होगी। ये हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मगर अफसोस, सद अफसोस की बात है, गुज़िश्ता कुछ सालों में सबसे ज्यादा जो हमले हुए हैं वो हिंदुस्तान की जमहूरियत के ऊपर इस देश में रहने वालों ने हमला किया है। और जो इतना अजीम जमहूरियत था, इतना बेहतरीन आईन था हिंदुस्तान का, आज इस आईन को कुछ लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म संसद के प्रोग्राम में नया आईन, नया संविधान लाने की कस्में खाई जा रही है, वादे किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं लोगों से कि भाई कौन तुम, क्या देश का बंटवारा करने जा रहे हो, क्या देश को दो हिस्से में बांटने जा रहे हो? हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान की जमहूरियत, हिंदुस्तान का आईन एक है, और इसलिए हम अजीम हुए हैं कि हमारे आईन में सैकड़ों दानिश्वर और मुजाहिदीन आजादी ने अपनी मेहनत और मशक्कत के साथ मसूदा तैयार किया था, ड्राफ्टिंग तैयार किया। हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यौमे जमहूरियत क्यों मनाते हैं, इसके पीछे हकाइक क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी इतिहास क्या है, इसकी तारीख क्या है, मैं उसके बारे में आपको अभी जरूर बताऊंगा। और इस मुल्क में जितने लोग रहते हैं सबके लिए ये जानना जरूरी है, खासकर तालिबे इल्म, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स को भी जानना जरूरी है। हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं, उर्दू में यौमे जमहूरिया बोलते हैं, हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलते हैं, नाम अलग अलग है, मतलब सबका मानी, सबकी मीनिंग एक है। इसी तरह हम हिंदुस्तानी भी अलग अलग कल्चर में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग ज़बानें हैं, मगर सबके लिए जो आईन है, जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमारे लिए एक है। इसको मानना, इस पर अमल करना हम हर हिंदुस्तानी का फरीजा बनता है, जिम्मेदारी बनती है, और इसकी देख रेख करना और इसको महफूज करना, अपने घरों में भी रखना हम हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई भी शख्स, चाहे बड़ा से बड़ा लीडर क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा वजीर क्यों ना हो, वो संविधान आईन के खिलाफ बातें करता है तो समझ लीजिएगा वो देशभक्त नहीं हो सकता, देशद्रोही जरूर हो सकता है। इसलिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया है, संविधान के खिलाफ काम करने वाला कभी भी जो है मुल्क के लिए फायदेमंद या मुल्क के मफाद के लिए नहीं हो सकता है।
तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की क्यादत में मसूदा साज कमेटी दस्तूर साज असेंबली के 17 से ज्यादा कमेटियों में से एक थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का हिंदुस्तान के लिए आयन का मसूदा तैयार करना था। कमेटी ने तकरीबन 7600 तरामीम में से आयन पर बहस और गौर खोज करते हुए तकरीबन 2400 तरामीम में से जान छुड़ाई। मुल्क अजीज हिंदुस्तान में हर साल 26 जनवरी को यौम जम्हूरिया मनाया जाता है और इस साल 73वां यौम जम्हूरिया हम लोग मना रहे हैं और मनाएंगे। हिंदुस्तान में बरतानवी तसल्लुत के खात्मे के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बाद आयन साज असेंबली के अराकीन के जरिए तैयार करदा आयन हिंद को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 से हिंदुस्तान में आयन पर अमल जारी है। 26 जनवरी 1950 से हिंदुस्तान के आयन पर अमल जारी है और 26 जनवरी 1949 मतलब 1949 का दिन था जब हिंदुस्तानी आइन को पहली बार अपनाया गया था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को यौम आइन दस्तूर आइन दिवस के तौर पे यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है। यौम जम्हूरिया की तारीख। दस्तूर साज असेंबली वो इदारा था जिसका मकसद हिंदुस्तान के आइन का मसूदा तैयार करना। इसका पहला इजलास 9 दिसंबर 1946 को हुआ। पहला इजलास 9 दिसंबर 1946 को हुआ जिसमें 207 अराकीन ने शिरकत की थी जिसमें 9 ख्वातीन भी शामिल थी। 207 में से 9 ख्वातीन मतलब महिलाएं भी 9 थी, उनकी भी भागीदारी इस आइन में है, संविधान में है। इब्तदाई तौर पर असेंबली के अराकीन की तादाद 389 थी। आजादी और तकसीम हिंद के बाद 15 अगस्त 1947 को यह तादाद घटकर 299 रह गई। 299 15 अगस्त 1947 के बाद, इससे पहले कितनी तादाद थी? 389 आइन साज असेंबली का आखिरी इजलास 26 जनवरी 1949 को खत्म हुआ। उसी वक्त आइन को अपनाया गया। सिर्फ 2 माह के बाद 26 जनवरी मतलब नवंबर दिसंबर और जनवरी 26 जनवरी के 1950 के बाद यानी 2 महीना के बाद उसी वक्त आइन को अपना लिया गया और 2 माह का 26 जनवरी 1950 को इस पर दस्तखत करने वालों ने 284 अराकीन के दस्तखतों के बाद इसको नाफिज अमल में आया गया। कितने लोगों ने दस्तखत किया था? 284 लोगों ने दस्तखत किया था। उसके बाद 1950 26 जनवरी को इसको नाफिज कर दिया गया, इस पर मान लिया गया हिंदुस्तानी रिपब्लिक डे है, हिंदुस्तानी यौम जम्हूरिया है। 26 जनवरी को हिंदुस्तान का यौम जम्हूरिया होने का फैसला किया गया क्योंकि ये वो दिन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1930 में हिंदुस्तान की आजादी का ऐलान किया था, मुकम्मल आजादी का ऐलान किया था। उसी दिन का इंतखाब कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की करारदाद के बाद से किया गया था। इस करारदाद के बाद जो है नौ आबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ मुल्क गिर सियासी तहरीक का आगाज भी हुआ था। इसलिए हर साल हम लोग 26 जनवरी 1950 को यौम जम्हूरिया रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम मनाने के लिए तैयार हैं मगर हम हिंदुस्तानियों पर फर्ज बनता है, चाहे हम मिनिस्टर हो चाहे न हो, चाहे MLA हो चाहे न हो, या बड़ा शिक्षक हो चाहे न हो, अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हम पर जिम्मेदारी बनती है इस आइन की रखवाली करें, इस आइन की तहफ़ करें। अगर इसके खिलाफ कोई भी कदम उठता है तो हम लोग को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, एहतजाज उठानी चाहिए जितनी भी शक्ति दिया है। और सबसे बेहतरीन जमहूरियत है, सबसे हमारा देश का आइन सबसे बेहतरीन आइन है, इसको बचाना, इसकी हिफाजत करना, इसकी रखवाली करना हम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है। चलिए मैंने आज को बताया 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इसकी तारीख क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर अम्बेडकर साहब चेयरमैन थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, मलाम कलाम आजाद थे, सरदार पटेल थे, ये नाम बहुत सारे लोग हैं। मैं इसके दस्तावेज भी आपको जो है न्यूज़ में पोस्ट करूँगा। तमाम लोगों ने सिग्नेचर करके इसको मान लिया गया था।